लास्ट वीडियो में आप गल की एप्लीकेशन टू स्पॉन्सर फॉर्म जो है वो कि भरना एप्लीकेशन फीस जी है उन्होंने आप कि पे करना ऑनलाइन जो तुम अपनी एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन जो फिल कर दें पे कर दें उस तो बाद एक ईमेल आती है अपनी ईमेल एड्रैस जो ईमेल एड्रैस दिता होंगे वो थोड़ी एक अटैचमेंट आती है ईमेल की रसीद तुम अपनी ईमेल में खोल के वो रसीद में इदा डाउनलोड कर लेना जो तुम डाउनलोड कर लिया थोड़े को एक PDF फाइल के रसीद की आजगी इनफॉर्मेशन ये रसीद में अपने प्रिंट करके अपनी एप्लीकेशन अटैच करना अकॉर्डिंग टू चैकलिस्ट जो है नैक्सट जो फॉर्म है वह है फाइनैशियल इवैल्यूएशन फॉर्म IMM 1283 जिन्हें भी डिपेंडेंट है उन्होंने ही यह फॉर्म भरना जिन्होंने डिपेंडेंट चाइल्ड नहीं है उन्होंने इस फॉर्म को नहीं भरना जो नैक्सट 3 फॉर्म है वो है एक पहला है जनैरिक एप्लीकेशन फॉर्म IMM 0008 कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नैक्सट है अडिशनल फैमिली इनफॉर्मेशन IMM 5406 जेडे ये तीनों फॉर्म ने यह आप दो तरीके भर सकते हैं एक तो यह जो तुम अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन भर रहे हो तो यह फॉर्म को ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो जे तुम यह अपनी पेपर बेस्ड फाइल लगा रहे हो फिर यह थोनों तिने फॉर्म जोड़े है जिमें कि आप पहला दो फॉर्म जो भरे ने उमें ही फिल करके अपने नाल अटैच करने पैंदे है। हुण आपां सब तो पहला गल करांगे जनैरिक एप्लीकेशन फॉर्म जिहड़ा हैगा 0008 ये आपां किदां भरना है। सब तो पहला कि जिहड़ा कि जनैरिक एप्लीकेशन फॉर्म है सिर्फ प्रिंसीपल एप्लीकेंट वालों ही भरिया जाता है यह थोनों स्पॉन्सर जिहड़ा बंदा कर रहा कैनेडा तो उन्हें यह फॉर्म नहीं भरना। जनैरिक एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने वास्ते आप चैकलिस्ट के जावे चैकलिस्ट के जो नंबर 6 कॉलम है वो लिखा हुआ व्यू एंड प्रिंट फॉर्म ये आप क्लिक करांगे ये क्लिक करने तो बाद इस डाउनलोड कर लेना। सब तो फर्स्ट आया है एप्लीकेशन डिटेल प्रोग्राम्स अंडर विच यू आर अपलाइंग ये तार करना फैमिली क्लास कर देना कैटेगोरी अंडर विच यू आर अपलाइंग कर देना स्पाउस उस तो बाद हाउ मैनी फैमिली मैंबर्स इनकलूडिंग यू आर इन दिस एप्लीकेशन हुण इहदे विच तुसीं भरना है जे थोड़ा कोई डिपेंडेंट चाइल्ड तुसीं नाल लैके जा रहे हो इनकलूडिंग उहनूं तुसीं नाल इनकलूड करके तुसीं दसना कि तुसीं किन्ने जणे तुसीं कैनेडा विच जा रहे हो जिन्हां ने अपनी एप्लीकेशन लगानी है तुसीं स्पॉन्सर नूं इहदे विच काउंट नहीं करना जिहड़ा तुहानूं कैनेडा दा स्पॉन्सर कर रहा उस नूं तुसीं काउंट नहीं करना सिर्फ तुसीं जिहड़े जिन्हां नूं आपां स्पॉन्सर कर रहे हैं जिवें कि प्रिंसीपल एप्लीकेंट आ उहनां दे डिपेंडेंट चाइल्ड हैगे ने उन्होंने काउंट करके लिखना किन्ने जिदा कुछ डिपेंडेंट चाइल्ड जिम्मे कि नहीं है उन्होंने इतने करना सिर्फ 1 कर देना कि क्योंकि तुम कल ही जा रहे हो। नैक्सट है लैंगुएज प्रेफरेंस फॉर कोरसपोंडेंस इस तुम कर देना इंग्लिश कोरसपोंडेंस का मतलब यह है कि थोड़ू कोई अगर CIC थोड़ा कोई लैटर सेंड करती है तो थोड़ी कही लैंगुएज थोड़ी चाहिए लैटर रिसीव कि लैंगुएज करनी है वह उसे कर देना इंग्लिश इंटरव्यू जो थोड़ी इनकेस इंटरव्यू आती है कि लैंगुएज अपनी इंटरव्यू देनी है इंटरप्रेटर रिक्वेस्टड इसे थोड़ा चाहिए इंटरप्रेटर चाहिए जिम्मे कि थोड़ा कोई ट्रांसलेटर चाहिए वो उन्होंने भी दस सकते हो कि थोड़ा इंटरप्रेटर चाहिए कल इंटरव्यू होंगी है कि नहीं चाहिए उसे कर देना यस या नो। तो अगे है वेयर डू यू इंटेंड टू लिव इन कैनेडा इन कैनेडा जाकर रहना कितने चाहते हो तुम उसना कि प्रोविंस रहना चाहते हो सिटी कि जाना चाहते हो। नैक्सट है परसनल डिटेल्स परसनल डिटेल में दसना कि अपना नाम दसना फैमिली नेम एंड गिवन नेम उस तो बाद हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम सेम जिमें आप फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म से भरया सीगा कि तुसीं पहला कोई होर नेम यूज किया यस या नो कर देना। UCI नंबर की भी पिछली वीडियो में गल की UCI नंबर हुंदा की है जो आप पहला कभी कैनेडा आए हुए या एप्लीकेशन आप लगाई हो कभी पहला अपने एक UCI नंबर इशू हो जाता है उसनों जो थोड़े को हैगा इतने मैनशन कर देना जो नहीं है जो थोड़ा नहीं पता है इतने ब्लैंक छड़ देना सैक्स मेल फीमेल दस देना है हाइट दस देना थोड़ी किन्ने सेंटीमीटर हाइट है उस तो बाद करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस भी कि कंट्री हूँ तुम रह रहे हो थोड़ा उस कंट्री स्टेटस की है तुम सिटीजन हो उत्थे परमानेंट रेजिडेंट हो प्रीवियस कंट्री ऑफ रेजिडेंस लास्ट 5 ईयर्स के पिछले 5 सालों के कभी भी किसी होर कंट्री 6 महीने तो वह जो तुम रहे हो तुम उस अपनी कंट्री की डिटेल दसनी है जो तुम नहीं रहे तो इतने नो कर देना अगर तुम रहे थे तो कंट्री दस देनी है स्टेटस दसना थोड़ा स्टेटस की सी उत्थे कितनी देर लई रहे थे कदों तो कदों तक रहे थोड़ा इतने डाटा पाना पड़ेगा उस तो बाद योर करंट मैरिटल स्टेटस की है जो थोड़ा हम करंट मैरिटल स्टेटस जो मैरिड होगा इसे मैरिड पा देना है। इफ यू आर मैरिड और इन अ कॉमन लॉ रिलेशनशिप प्रोवाइड द डेट ऑन विच यू आर मैरिड और एंटर्ड इन टू द कॉमन लॉ रिलेशनशिप जो हम थोड़ा विह हो जिस दिन थोड़ा विह हो उस डेट में इतने पा देना है। प्रोवाइड द नेम ऑफ योर करंट स्पाउस जिस विह कराया है मोस्ट प्रोबेबली एक स्पाउस जो स्पॉन्सर थोड़ा कर रहा हों कैनेडा के उदा नाम पा देना हों। उस तो बाद हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड और इन कॉमन लॉ रिलेशनशिप जो पहला कभी विह कराया तो उस बारे डिटेल दस देनी है यस या नो जो नहीं कराया तो नो कर देना है
उस तो बाद अपनी कॉन्टैक्ट इनफॉर्मेशन देनी है तुसी कित्थे रह रहे हो तुसी अपना घर का एड्रेस दसना वा उस तो बाद रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा उन्होंने सेम एज मेलिंग एड्रेस थोड़ा मेलिंग एड्रेस सेम है या नहीं है पिछली वीडियो में मैं गल की थी कि मेलिंग एड्रेस से रेजिडेंशियल एड्रेस की होंगे ने तुसी मेरी पिछली वीडियो चैक कर सकते हो बारे अगे तुसी अपना टैलीफोन एड दस देना थोड़ा टैलीफोन की है थोड़ा कोई ऑल्टरनेट नंबर है तुसी इत्थे डिटेल उहदी पा देनी है इत्थे फैक्स नंबर ईमेल एड्रेस जो भी थोड़े कोल है अगला कॉलम है पासपोर्ट डू यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट तुसी दसना थोड़े कोल पासपोर्ट है यस कर देना तुसी अपने पासपोर्ट की डिटेल पा देनी है फॉर दिस ट्रिप यू विल यू यूज अ पासपोर्ट इशूड बाय अ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयरस इत्थे तुसी नो कर देना है उस तो बाद नैशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट तुसी दसना थोड़े कोल कोई है तुसी इत्थे नो कर देना है आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इतने तुसी नो कर देना है उस तो बाद तुसी अपनी एजुकेशन डिटेल देनी है थोड़ी हाईएस्ट एजुकेशन की है जिवें थोड़े कोल बैचलर डिग्री है तुसी इत्थे बैचलर डिग्री दस देना है हाउ मैनी नंबर ऑफ ईयरस ऑफ एजुकेशन इन टोटल जिवें कि थोड़े फर्स्ट टू ट्वेल्थ ईयर तुसी स्कूल च लगाए ने उस तो बाद तीन साल तुसी कॉलेज डिग्री कोई कंप्लीट की जिवें कि बैचलर डिग्री की है टोटल थोड़े 15 साल हो गए तो तुसी 15 ईयरस कर देना है करंट ऑक्यूपेशन जो तुसी कोई जॉब कर रहे हो तुसी दस देना तुसी एम्पलॉयड हो जॉब की पोजिशन की है करंट ऑक्यूपेशन की हैगी है तुसी इत्थे दस देना जिवें तुसी बिजनेस हैगा थोड़ा कोई जे थोड़ी इंटेंडेड ऑक्यूपेशन की जे थोड़ा तुसी बाहर जाना थोड़ी उत्थे जाके इंटेंडेड थोड़ी ऑक्यूपेशन की है तुसी की सोचन जाके उत्थे तुसी जॉब करनी है थोड़ा कोई होर काम तुसी करन जाके तुसी दस देना जाके जिवें तुसी जॉब करनी जॉब लिख देना इत्थे नेटिव लैंग्वेज बारे दस देना अपना तुसी थोड़ी की हैगी है आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच तुसी यस या नो कर देना किहड़ी च कर सकदे हो तुसी इंग्लिश करदे हो या तुसी फ्रेंच च करदे हो या ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈਵ ਯੂ ਟੇਕਨ ਅ ਟੈਸਟ ਫਰੋਮ ਅ ਡੈਜ਼ੀਨੇਟਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਫਰੈਂਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਲਾਸਟ 2 ਈਅਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਮ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਮੂਵ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਇਹ ਫਿਲ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਰਕੋਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਾਰਕੋਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕੰਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਲਿਸਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਚੈਕਲਿਸਟ ਤੇ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ ਗੈਟ ਯੂਅਰ ਚੈਕਲਿਸਟ ਫਾਰਮਸ ਐਂਡ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਸਪੌਂਸਰਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਮਾਈ ਸਪਾਊਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ ਕੰਟਰੀ ਡਸ ਦਾ ਪਰਸਨ ਬੀਂਗ ਸਪੌਂਸਰ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਇਨ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਈ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਗੈਟ ਚੈਕਲਿਸਟ ਐਂਡ ਫਾਰਮਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਕੰਟਰੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਸ ਫਾਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਅਰ ਟਰੈਵਲਸ IMM 5562 ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 10 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਮ ਜਗ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੇਮ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਫਾਰਮ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਅਰ ਸਪਾਊਸ ਔਰ ਕਾਮਨ ਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਗਏ ਸੀ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰਪਸ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪਰਪਸ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀਮੂਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੈਕਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਐਕਸਟਰਾ ਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 8 ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਚੈਕਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ
IMM 5406 सैक्शन ए भी तुसी भरना कि प्रिंसीपल एप्लीकेंट जिहड़ा है वह जिहड़ा कि जिन्हों आपां स्पोंसर कर रहे हैं उहदा नेम इत्थे भर देना, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस जिथे वो रह रहे हैं उसके बारे दस दें, उस बाद उन्होंने मैरिटल स्टेटस जिहड़ा कि मैरिड है वह भर देना, कंट्री ऑफ बर्थ उन्हों का की है, उस तो बाद उन्होंने स्पाउस बारे पूछा गया कि उन्होंने स्पाउस का नेम की है, तो स्पाउस नेम पा रहा जो स्पॉन्सर कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस जिथे वो रह रहे हैं उसके बारे दस दें, कंट्री ऑफ बर्थ उन्हों का की है, उस बाद उन्होंने मदर का नेम दसना, जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है उन्होंने मदर का नेम, मदर का डेट ऑफ बर्थ दसना है, उन्होंने एड्रेस दसना है, उस उन्होंने मैरिटल स्टेटस दसना है कि उन्होंने मैरिटल स्टेटस की है, उन्होंने फादर की डिटेल दसनी है, इतने सैक्शन बी भी तुम्हें दसना है कि जो चिल्ड्रन उन्होंने कोई है, अगर कोई प्रिंसिपल एप्लीकेंट का कोई डिपेंडेंट चाइल्ड जो ना लैके आ रहे हो उन्होंने डिटेल दसनी है इतने कि उन्होंने कोई स्टाइल हैगा कि नहीं है, जो है तो उन्होंने डिटेल सेम दस देनी है इतने कि उन्होंने मिडल स्टेटस की है, डेट ऑफ बर्थ की है, अगर नहीं है तो इस कॉलम में तुम्हें ब्लैंक छड़ देना, सेम इदा ही उन्होंने ब्रदर सिस्टर का है, तुम्हें ब्रदर सिस्टर बारे दसना कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट जिहड़ा कि इंडिया तो आप बुला रहे हैं उन्होंने कोई ब्रदर या सिस्टर हैगा उन्होंने भी इतने डिटेल पानी है कि उन्होंने नेम की है, डेट ऑफ बर्थ की है, उन्होंने ईमेल एड्रैस कितने रह रहे हैं वो सारा इस डिटेल दसना है, इतने सैक्शन डी इतने अपने सिग्नेचर करने हैं, प्रिंसिपल एप्लीकेंट ने जिहड़ा कि इंडिया तो आ रहा है उन्हें इतने अपने सिग्नेचर कर देनी है, डेट पा देनी जिहड़े दिन तुसीं इतने इस फॉर्म कॉलम इस फॉर्म तुसीं फिल किया सीगा, इह सीगे अज दे तीन फॉर्म जिहड़े कि पहला सीगा जनैरिक एप्लीकेशन फॉर्म IMM 0008, सैकेंड फॉर्म सीगा सप्लीमेंटरी इनफॉर्मेशन फॉर्म IMM 5562E, लास्ट जिहड़ा फॉर्म मैं दस्सिया तुहानू वो हैगा ट्रेडिशनल फैमिली इनफॉर्मेशन IMM 5406। जिहड़ी इह मैं तैनू तीन फॉर्म दसे ने अज दे जिहड़े दसे ने यह फॉर्म तुसीं इदां ही प्रिंट करके अपनी एप्लीकेशन विच नाल अटैच कर देना, पर जे तुसीं इह एप्लीकेशन नूं तुसीं ऑनलाइन लगा रहे हो अपनी परमानेंट रेजिडेंस फॉर स्पाउस जिहड़ी एप्लीकेशन तुसीं ऑनलाइन फिल कर रहे हो ये जो तिने फॉर्म ने यह तुम ऑनलाइन ही फिल कर सकते हो, थोड़ा इन्हों प्रिंट करने की लड़ नहीं हैगी, ऑनलाइन ही फिल करके सीधा उत्थ साइन ऑनलाइन ही साइन कर सकते हो, थोड़ा मेरी यही वाली वीडियो इनफॉर्मेटिव लगी हो इसको शेयर लाइक सबसक्राइब जरूर करो।